ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीसीजीआई ने प्रेस व्यू आई ड्रॉप की मंजूरी वापस ले ली है। यहाँ पर आपको बताएं कि सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सबसे पहले इस प्रोडक्ट की सिफारिश की थी, जिसके बाद एंटोड फार्मास्यूटिकल्स को डीसीजीआई ने से अंतिम मंजूरी मिली थी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कल कहा कि प्रेस और सोशल मीडिया पर प्रचार ने आई ड्रॉप के इस्तेमाल और जनता के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में संदेह पैदा किया। आई ड्रॉप के प्रचार ने यहाँ पर ओवर द काउंटर ड्रग की तरह इस्तेमाल करने के बारे में चिंता जताई है, जबकि इसे केवल प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई के रूप में अप्रूव किया गया था। ड्रग रेगुलेटर CDSCO ने उन खबरों का संज्ञान लिया जिनमें एंटोड फार्मास्यूटिकल ने दावा किया था कि वो पढ़ने के लिए चश्मे की ज़रूरत को कम करने के लिए भारत में पहली आई ड्रॉप पेश कर रहा है। रेगुलेटर ने इस दावे पर भी ध्यान दिया कि ये दवा एक एडवांस्ड अल्टरनेटिव देगी जो 15 मिनट के भीतर नज़दीक की विजन को बेहतर बनाती है। रेगुलेटर ने स्पष्ट किया कि आई ड्रॉप को ऐसे किसी भी दावे के अप्रूव नहीं जो है किया गया था, ऐसे किसी दावे को। CDSCO ने कहा कि उसने 5 सितंबर को नोटिस जारी कर इस मामले पर एंटोड फार्मास्यूटिकल से जवाब मांगा था, लेकिन उसने इसका सही जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ही कार्रवाई की गई है। वहीं एंटोड फार्मास्यूटिकल के CEO निखिल मजूरकर ने कहा कि वो इस निलंबन को अदालत में चुनौती देंगे।